अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एहसान अली। दोस्तों, मैं दुबई के वीज़े के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। दुबई में रहने और खाने का खर्च क्या आएगा, एक महीना आपको रहना तो किस तरीके कितना खर्चा आएगा, इसी के विषय में आज मैं आप वीडियो लेकर आया हूं बताने के लिए। और क्या कहते हैं दोस्तों, मैं दुबई जाने वाला हूँ। अगली बार मैं गया था तो थोड़ा सा वीडियो बनाया था, बीच में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन आज मैं आप लोग को दुबई का 1 मंथ या 3 मंथ के वीज़े पे आप जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी पर्पस से जा रहे हैं, तो आपका टोटल कितना खर्चा आएगा। जो लोग पढ़े लिखे हैं, पॉलिटेक्निक, बीटेक या बीएससी, एमएससी जो भी किए हैं, जॉब तलाश के लिए जा रहे हैं, तो 1 मंथ के वीज़े पे भी जाएंगे तो काफ़ी है। वहाँ टिकट मिनिमम आप टिकट पकड़ के चलिए, बनारस से अगर आप जाएंगे, वाराणसी से, तो आपका 20,000 पड़ेगा आने जाने का, और मुंबई से 15 से 16 हज़ार पड़ेगा, दिल्ली से भी वही सेम पड़ेगा, दिल्ली मुंबई सेम ही सेम रहता है। और आपका वहाँ रहने का जो खर्च आएगा, ये आप मान के चलिए कि आप 300-400 रुपये मंथली के हिसाब से पर बेड स्पेस आपको मिल जाएगा, 300, 350, 200, जैसे एरिया में आप रहें, शारजा में रहें, अजमान में रहें, रसल खेमा में रहें, इस एरिए में आप 200-250 में मिल जाएगा। मेन दुबई में आप रहेंगे तो कम से कम नहीं तो आपको 300-350 के नीचे नहीं मिलेगा, 400-500 भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, वैसे जॉब का रिक्वायरमेंट तो शारजा, रैसल खेमा में ज़्यादातर है, आपको दुबई और अबू धाबी छोड़कर, अबू धाबी में भी महंगा बहुत है बेड स्पेस, तो आप मान के चलिए मोटा मोटा 350 रुपये आपका बेड स्पेस का जाएगा, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग हो जाएगा 6,000 के आसपास। तो 6,000 रुपये आप ये पकड़ के लिए, आप 20 उधर आपका 26,000 चला जाएगा, प्लस आपको वहाँ रहने का पर डे का ये आप मान के चलिए कि 50 दिरहम, नहीं मिनिमम आपका 20 दिरहम खाने में जाएगा, 10 दिरहम ट्रेवल वगैरह, ये सब टोटल मिलाकर 50 दिरहम जाएगा, मतलब पूरे महीने में आपका 1500 दिरहम ये चला जाएगा। 1500 का सीधा सीधा 30,000, 28 से 30,000 रुपये हो जाएगा, लगभग 45,000 रुपये आप लेकर यहाँ से निकलेंगे, या 50,000 रुपये आपका टोटल एक बजट 1 मंथ का खर्च आएगा। वैसे तो आप भाई और कम में भी खर्च कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर है, आप 10 ही 10 दिरहम 20 दिरहम ही खर्च करें, टिकट कम से कम फेयर में ले जाएं, आप 35,000 में भी जा सकते हैं, 30,000 में भी जा सकते हैं, लेकिन आप एक एक्चुअल अगर आपके पास 50,000 है तो आपको एक महीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है दुबई के अंदर। आप हो सकता है उतने में जॉब भी पा जाएँ, या अच्छे से घूम लेंगे आप हर जगह, अब बुर्ज खलीफा है, जितने भी एरिया घूमना चाहें, दुबई मॉल जो भी घूमना चाहें, आप घूमने के लिए से जा रहे हैं तो आपके लिए 50,000 पर्याप्त है, नो प्रॉब्लम, ओनली वन बंदे के लिए। और फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपका और ज़्यादा खर्चा आ सकता है, तो लगभग आप मान के चलिए 1 लाख रुपए के आसपास चला जाएगा खर्च, ठीक है दोस्तों। तो अगर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपके पास मान के 50,000, मतलब 50,000 में इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे आपको बेड स्पेस जो रहेगा वो आपको मैं वहाँ चल के बेड स्पेस दिखा दूँगा, आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा वहाँ का बेड स्पेस कैसा है। और क्या कहते हैं भाई, वेट करो, आ रहा हूँ। और वहाँ पे आपको कोई आ गया है दुकान के अंदर, तो बुला रहे हैं बात करने के लिए। तो आप लोग ये समझिए कि आपका रहने का खाने का टोटल हमने खर्चा बता दिया है, अब बाकी चीज़ें मैं वहाँ चल के डायरेक्टली बता दूंगा। और इसके बाद दोस्तों, मेरा नेक्स्ट ट्रिप रहेगा मलेशिया का, जो कि मैं मलेशिया के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। और आप लोग जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहले उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कुछ अपने और दोस्तों को भेजें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, मतलब आपके दुबई में जॉब पर्पस से कुछ काफ़ी लोगों से मुलाकात कराऊंगा इंशाल्लाह। और प्लस इसके बाद आप मलेशिया का जो ट्रिप रहेगा, मलेशिया के बारे में भी, वहाँ के जॉब के बारे में, वहाँ घूमने के बारे में, A to Z सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब में कोई चार्ज नहीं है, प्लीज़ कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का एक ऑप्शन सब्सक्राइब करके लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके एक बेल आइकन होगा, उसको आप दबा लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।